हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल द आर्या एकेडमी आई एम मुरली सर टुडेज टॉपिक इज स्टेम एंड वी सा द लास्ट लेक्चर इन रूट सिस्टम आज हम अगर स्टेम की बात करेंगे पहले इसके पहले हम लोग रूट को देख चुके हैं तो रूट में हमने आपको बता दिया था कि रूट क्या होता है रूट का मेन काम क्या होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है कहाँ से सोइल से और कहाँ ले जाता है लीफ तक पहुँचाने का काम करता है और साथ ही साथ किसका ऑब्जॉर्प्शन करता? करता है मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है कहाँ से सॉइल से तो हम लोग रूट में देख चुके थे रूट में उसके टाइप्स भी देख चुके थे रूट कैसे निकलती है कहाँ से पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसको देख लिया आज हम किसकी बात करेंगे स्टेम की बात करेंगे तो जो प्लांट्स होते हैं वो मेनली थ्री पार्ट्स में डिवाइड होते हैं रूट स्टेम एंड लीफ तो आज हम किसकी बात करने चल रहे हैं स्टेम की बात करने चल रहे हैं जो स्टेम हम लोगों को देखने को मिलता है ये हम लोग आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है तो जो स्टेम होता है एक्चुअल में क्या होता है बिल्कुल ऐसे नहीं होता इसमें क्या होता है इसे बॉक्स जैसी संरचना अंदर तरफ पाई जाती है ये जो बॉक्स बना होता है इसको हम लोग नोट एंड इंटर नोड में डिवाइड करते हैं किसमें नोड एंड इंटर में डिवाइड करते हैं यहाँ पे एक डायग्राम हम लोगों को दिख रहा है हम उस डायग्राम की भी बात कर लेते हैं बहुत आसान सी बात है ऑलरेडी आप लोग इसके बारे में जानते भी हैं कि देखिए जैसे एक नोड है नोड का मतलब क्या था उभार गांठ बोलते हैं इसको जैसे ये दोनों क्या हो जाएंगे इसको नोड बोलेंगे और इसके बीच वाला जो स्पेस होता है इसको हम लोग इंटर नोड बोलते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंटर नोड बोलते हैं और ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग ग्रोविंग यहाँ पे आप देख लें ग्रोविंग पार्ट है इसके बगल में क्या देखने को मिल रहा है बड बिल रहा है और जहाँ से लीफ निकली है इस नोड हमेशा जो लीफ निकलेगी या कोई ब्रांचेज निकलेगी इस स्टेम में हमेशा ऑलवेज दे एराइजेस फ्रॉम द नोड्स, नोड रीजन से ही एराइज होगी तो ठीक अब यहाँ पे अब आगे हम लोग चलेंगे तो लिप के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो भाग होता है इसको हम लोग बर्ड एक्चुअल में इसको एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड बोला जाता है तो आइए हम लोग देखते हैं स्टेम के बारे में द इस्टेम ग्रो अबब द्रॉम प्लम्यूल ऑफ द सपोर्टिंग सीड से हमने आपको बताया था कोई सीड होगा सीड होगा ऊपर तरफ प्लेम्यूल होता है नीचे की तरफ रेडिकल रेडिकल से क्या निकलता है रूट निकलता है और प्लेम्यूल से क्या निकलता है स्टेम का फॉर्मेशन होता है इसी को क्या बोलते हैं प्लेम्यूल बोलते हैं और स्प्राउटिंग स्प्राउटिंग का मतलब जर्मिनेटिंग जो जर्मिनेट निकलता सीड जो होता है जर्मिनेट होता है उसको हम लोग स्प्राउटिंग बोलते हैं एज द स्प्राउट कब जब वो स्प्राउट मतलब जर्मिनेट हो रहा होता है ग्रो द लेंथ ऑफ स्टेम ग्रेजुअली इंक्रीजेज और वो जो लेंथ होती है किसकी जो स्टेम की लेंथ होती है वो क्या होती है ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होती है इंक्रीज होती है These are node on the stem. Uh, और जो uh, इसमें क्या होता है देर आर नोड ऑन क्या पाया जाता है नोड पाया जाता है ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने अभी दिखाया था नोड अच्छा आपको नोड और इंटर नोड में और कहीं पे दिखा देता हूँ जिसे हम लोग uh, देखते हैं गन्ना तो मोस्टली सब लोगों ने देखा होगा सुगर केन जिसको हम लोग बोलते हैं तो उसको में देखते हैं ना एक उसके बाद एक नोड बना रहता है वो उसके बीच में स्पेस होता है उसको इंटरनोड और वो जो स्पेस चारों तरफ दिखने को मिलता है ऐसे गन्ना होता है इस गन्ने पे यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऐसे ऐसे बना होता है फिर ऐसे ऐसे, 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 ऐसे बना... ये एक्चुअल में क्या होता है नोड इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं भैया है? नोड और ये वाला जो भाग होता है ये क्या होता है इंटर नोड होता है तो आगे देखते हैं क्या पाया जाता है उसमें नोट्स पाया जाता है लीव्स कम्स आउट ऑन द नोड और जो लीव्स होती हैं पत्तियां होती हैं कहाँ से निकलती है हमेशा नोड रीजन से निकलती हैं पत्तियां और साथ ही साथ जो ब्रांचेज निकलती हैं वो ब्रांचिंग जैसे प्लांट है तो उसमें जो ब्रांचिंग होगी वो भी कहाँ से हमेशा नोड रीजन से निकलती है दीज पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन टू नोड इज कॉल्ड एज इंटर और दो नोड के बीच के पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं इंटर बोल देते हैं द टिप ऑफ द एपिकल एंड ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड एज बड और जब स्टेम होती है स्टेम का जो टिप पोर्शन होता है एपिकल पोर्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बड बोल देते हैं और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो ग्रो होती है उनकी जो ग्रोथ होती है हमेशा एपिकल रीजन पे होती है या अपेक्स रीजन पे होती है या टिप पोर्शन पे होती है। है। क्यों ऐसा होता क्योंकि यहीं पर मेरिस्टमेटिक टिश्यू पाया जाता है और वो डिवीजन करता है लंबाई में वृद्धि करता है ठीक तो यहाँ तक बात समझ में आई टिप पोर्शन पे क्या पाया जाता है बड पाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बर्ड बोल देते हैं ऑब्जर्व अ ब्रांच ऑफ एनी प्लांट एंड आइडेंटिफाई इट्स डिफरेंट पार्ट एज पर द डायग्राम और हम लोग आप यहाँ पे यह देख रहे हैं काफी चीजें यहाँ पे है हमने इसके बारे में बता दिया है 80 पोर्शन है इसी टिप पोर्शन पे ग्रोइंग इंड इसको कहा जाता है और ये इसको हम लोग साइड साइड में होता है उसको बड बोलते हैं और यहाँ पे नोड होता है इंटर नोड इसके बीच के स्पेस को इंटर नोड बोलते हैं यहाँ पे लीफ है ये पार्ट ऑफ द स्टेम्स बात हो चुकी है तो हम लोग अगर अब स्टेम की कहीं बात करें हाँ स्टेम जो हेल्प करता है किसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किसको प्लांट्स uh, को जो मतलब उसको सपोर्ट करता है और इसमें क्या होता है एंड फ्लोएम होता है और इसमें उड होता है हार्ड होता है इसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिसके द्वारा ऑक्सीजन अंदर जाती है और उसमें जो वाटर्स वगैरह का भी क्या होता है एक्सक्रीशन करने का भी काम करता है ये मेनली स्टेम का मेन काम होता है अगर अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है कंप्लीट द चार्ट ये जो चार्ट दिया गया है इस चार्ट को भैया आप कंप्लीट करिए इसमें दिया है शुगर केन शुगर केन को लीजिए उसकी थिकनेस को देखिए और उसका नोट कितने एम mm एम का है उसके बारे में लिखिए उसका लेंथ आप इंटर नोट और नोट और इंटर नोट के बीच का स्पेस जो लिखिए उसको आपको बताना है ठीक हम लोग शुगर केन का बता सकते हैं बाम्बू है बाम्बू मतलब बांस जिसको बोलते हैं उसमें भी देख सकते हैं हम लोग हम लोग मक्का में भी देख सकते हैं नोड और इंटर नोड बहुत ईजिली उसमें देखने को मिल जाता है तो हम लोग ऐसा देख के आप अपने सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं उनको देख के कंप्लीट कीजिए बात समझ में आई अगर स्टेम की बात करें तो दूसरा पार्ट होता है किसका प्लांट का रूट हुआ स्टेम हुआ अब हम किसकी बात करने चल रहे हैं लीफ की बात करने चलते हैं ये भी इंपॉर्टेंट होता है लीफ क्योंकि यहीं पर फोटोसेंथिस होती है पौधों में फोटोसेंथेसिस के द्वारा अपना भोजन वो स्वयं बनाते हैं दिया है लीव्स ग्रो फ्रॉम द नोड ऑन ए स्टेम जो लीव्स होती है ग्रो करती है कहाँ पे नोड जो नोड होता है स्टेम का नोड होता है वहीं पर क्या करती है ग्रो करती है लीप्स आर जनरली थिन जो होती जनरली कैसी थी पतली होती फ्लैट होती चपटी होती एंड ग्रीन इन कलर होती कैसी कलर होती ग्रीन कलर अच्छा इसका ग्रीन कलर क्यों होता है हमेशा याद रखना क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है ग्रीन होता है इसीलिए कैसी होती ग्रीन इन कलर होती है द ब्रॉड आउट द ब्रॉड स्प्रेड आउट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज लीफ ब्लेड और ये जो चौड़ा वाला भाग ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसका इसको हम लोग लीफ ब्लेड बोलते हैं या इसी को हम लोग पिन्ना भी बोलते हैं इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं पिन्ना भी बोल देते हैं इसी को हम लोग लेमिना भी बोलते हैं ये जो चौड़ा वाला भाग होता है इसको कई नामों से जाना जाता है इसको लीफ ब्लेड जानते हैं इसी को लेमिना बोला जाता है इसी को पिन्ना बोल दिया जाता है तो आप दो जानते रहे लीफ ब्लेड और लेमिना एंड इट्स एड एज इज कॉल्ड द लीफ मार्जिन और इसकी जो एज है जो एक uh, आउटर वाली कवरिंग है आउटर पार्ट्स होता है एजेस जो होती है उसको हम लोग मार्जिन लीफ मार्जिन के नाम से जानते हैं जैसे ये वाला हो गया ये किनारा जो हो गया इसको लीफ मार्जिन के नाम से जानते हैं लीफ मार्जिन में भी इंटायर लीफ मार्जिन जो होगी मे भी इंटायर होगी या लोब्ड होगी लोब्ड का मतलब जैसे देख सकते हैं कि मतलब इंटायर का मतलब बिल्कुल प्लेन होगी कहीं कटापटा नहीं होगा लेकिन कहीं कहीं पे क्या होती है लोब्ड जैसे देखिए इस वाले डायग्राम में क्या है लोब्ड आपको देखने को मिल रहा है मतलब कटी फटी है इसको हम लोग लोब्ड बोल देते हैं या इसको हम लोग देखें रेटिकुल मतलब ये येट का मतलब क्या होता है दानेदार रवेदार होती छोटा छोटा, छोटा तो, मतलब लीफ जो होगी बिल्कुल प्लेन नहीं होगी थोड़ा से खुरदुरी होगी तो ये मेनली टाइप्स हो गया लीफ का अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक डायग्राम लीफ के कुछ पार्ट होते हैं ये देखिए इसको जो सबसे यहाँ पे जहाँ से जहाँ नोट से निकलता है उसको हम लोग लीफ बेस बोलते हैं क्या बोल देते हैं लीफ बेस बोल देते हैं और जो डंठली निकली होती है वो उसको हम लोग पेटियोल पेटियोल uh, बोल देते हैं क्या बोल देते हैं पेडियोल बोल देते हैं और यहाँ पे हम लीफ के देखते हैं जहाँ से लीफ बेस के पास छोटे छोटे दो बहुत छोटे छोटे से वो देखने को हमको मिलते हैं उसी को हम लोग स्टिप्यूल बोल देते हैं क्या बोल देते हैं स्टिप्यूल बोल देते हैं और ये जो होता है लीफ इसको लीफ ब्लेड बोलते हैं और ये बीच वाला जो भाग होता है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं मिड मिड्रिप बोल देते हैं इसको मिड वेन बोल देते हैं इसी को हम लोग कास्ता बोल देते हैं लेकिन मेनली आप जानते हैं मिड वेन इसको जानते रहिए इसको क्या कहते हैं मिड वेन बोलते हैं इसका मेन काम क्या होता है इसका मेन काम इसी का होता है कि इसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाते हैं वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन करने का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है कौन मिड वेन और मिड वेन के बगल बगल में ऐसे देखिए आप ऐसे जैसे तिरछी तिरछी लाइनिंग निकली होती है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं वेन बोल देते हैं और इसी वेन में से हम लोग देखेंगे ऐसे ऐसे क्या होता तो है बहुत सारी लाइने निकली इसको हम लोग वेन्यूल्स बोल देते हैं ठीक और पूरा जब पूरे को मिला करके बहुत सारी जितनी राय सबको वेनेसन बोल दिया जाता है क्या बोल देते हैं वेनेसन बोल देते हैं उसकी बात की बात होगी लेकिन हम इसको देख लिए क्योंकि सबसे बेस्ट तो लीफ बेस कहते हैं छोटी छोटी पत्तियों जहाँ बेस होता है छोटी छोटी पत्ती निकली होती है उसको हम लोग स्टिप्यूल कह देते हैं स्टिप्यूल कहीं कहीं पे मॉडिफाई होकर के स्पाइन कांटे में बदल जाता है कहीं कहीं पे टेंटिकल्स में बदल जाता है तो उसके मॉडिफिकेशन को हम आगे देखेंगे ठीक और ये जो डंठली होती है जैसे आप लोग मैंगो का देखे होंगे ना मैंगो का लीफ देखे होंगे तो उसमें देखते हैं छोटी सी डंठली निकली होती है उसी को हम लोग पेटियोल बोल देते हैं और जिसमें वो डंठली नहीं पाई जाती उस, उस पत्ती को हम लोग सेसाइल लीफ बोल देते हैं और इसको हम लोग पेटियोलेट लीफ बोल देते हैं ठीक और ये क्या हो गया लीफ ब्लेड हो गया इसी लीफ ब्लेड को लेमिना भी बोला जाता है इसी को पिन्ना भी बोला जाता है और ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसको हम लोग मिड वेन बोलते हैं इसको मिड रिप बोला जाता है ठीक और बगल बगल जो लेटरल में निकले उसको बोलते लीफ और जो एकदम बिल्कुल शीर्ष वाला एपेक्स वाला पार्ट होता है उसको हम लोग लीफ अपेक्स के नाम से जानते हैं तो ये पार्ट्स हो गए हमारे लीफ के यहाँ तक आप लोग स्टडी कर लिए होंगे ठीक आगे चलते हैं द टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज लीफ अपेक्स जो टिप पोर्शन होता है लीफ का उसको हम लोग क्या बोलते हैं लीफ अपेक्स बोला जाता है इट मे बी टैपरिंग पॉइंटेड आर राउंडेड या तो ये कैसा होगा टैपरिंग होगा या तो ये कैसा पॉइंटेड नोकीला होगा या कैसा होगा राउंडेड मुड़ा हुआ होता है आप लोग कई पत्तियों में बहुत प्रकार की लिप्स हम लोगों को देखने को मिलती है जैसे हम लोग कभी बने आंटी जिसको हम लोग बरगद बोलते हैं उसको देखते हैं उसकी पत्ती कैसी राउंडेड होती है लेकिन वहीं पीपल की पत्ती देख लेंगे तो कैसी होती है पॉइंटेड होती है कैसी होती है पॉइंटेड होती है और हम लोग और मैंगो वगैरह की पत्ती देखते हैं तो कैसी होती है टाइपिंग या पॉइंटेड जैसी भी होती है तो ये अलग अलग पत्तियों बहुत प्रकार की पत्तियां हैं आप देख सकते हैं कैसी होंगी टैपरिंग होंगी पॉइंटेड होंगी या तो कैसी होती हैं राउंडेड होती हैं लीव्स ऑफ सम प्लांट हैल्ड पेटियोल और जो पत्ती कुछ पत्तियों जो मतलब कुछ प्लांट्स की जो लीप होती हैं जिनके पास लीप होती है कैसी होती है पेटियोल उनका जो स्टाल्क होता है जैसे ये यहाँ से और ये पत्ती है इसको हम लोग इसी वाले भाग को क्या बोल देते हैं पेटियोल बोल देते हैं लीफ्स ऑफ सम प्लांट डू नॉट है पेटियोल और कुछ पत्तियां जिनके पास पेटियोल्स नहीं होते हैं वो डि डायरेक्ट ऐसे ब्रांच से निकली हुई होती है उनके पास पेटियोल नहीं पाया जाता है द पैटर्न ऑफ द लीफ अटैच टू स्टेम इस कॉल्ड एज लीफ बेस और जहाँ से सॉरी द पोर्सन ऑफ द लीफ अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड एज लीफ बेस और वो पार्ट जो पत्ती का किससे अटैच होता है स्टेम से अटैच होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं लीफ बेस बोल देते हैं स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर मे बी प्रेजेंट नियर द लीफ बेस दीज आर कॉल्ड स्टिप्यूल्स कभी कभी कुछ सब में नहीं लेकिन मोस्टली पत्तियों में छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं स्टिप्यूल्स बोल देते हैं क्या बोलते हैं उसको स्टिप्यूल बोलते हैं और यही स्टिप्यूल जैसे बैर का पेड़ होता है बैर हम लोग खाते हैं उस बैर में यही स्टिप्यूल मॉडिफाई होकर के स्पाइंस कांटे बना लेता है ठीक डू यू सी स्टिप्यूल इन आल प्लांट्स क्या आप सभी पौधों में स्टिप्यूल्स देखने को मिलता है नहीं कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें स्टिप्यूल्स देखने को नहीं मिलता है ठीक लीव्स ऑफ सम प्लांट है सिंगल यूनि डिवाइडेड लीफ ब्लेड एंड ए सिंगल मिड रिप्स सच लिप्स कार्ड सिंपल लिप्स कुछ पौधों की पत्तियाँ ऐसी होती हैं यूनी डिवाइडेड वो डिवाइड नहीं होती उनका जो लीफ ब्लेड होता है वो डिवाइड नहीं होता और उनके पास सिंगल मिड रिप भी पाई जाती है ऐसी पत्तियों को हम लोग कैसी पत्ती कौन सी पत्ती है सिंपल लीप्स कर हाउई जबकि द लीफ ब्लेड द लीफ ब्लेड ऑफ लीफ्स इन सम प्लांट इज डिवाइडेड इन टू मैनी स्मॉल पार्ट्स कार्ल उनको हम लोग क्या बोलते हैं लीफ लीफलेट्स बोल देते हैं अच्छा कुछ पत्तियां देखें अभी आपने ऊपर देखा कि कुछ पत्ती बिल्कुल प्लेन होती हैं उस पर कहीं कटाफटा नहीं होता लेकिन कुछ पत्तियां क्या होती हैं उसमें क्या होता है कि कई जगह पे उसमें मोड़ होता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं लीफ ब्लेड बोल देते हैं ठीक सम प्लांट्स इज डिवाइड मेनी स्मॉल पार्ट कॉल्ड एज लीफ लेट उसको क्या हम लोग बोल देते हैं लीफलेट बोल देते हैं सच लीप्स आर कार्ड कंपाउंड लीप्स और ऐसी पत्तियों को हम लोग कौन सी पत्तियाँ बोल देते हैं लीफ कंपाउंड लिप्स बोल देते हैं अच्छा सिंपल लीप सिंपल लीफ का मतलब ये हो गया कोई पत्ती है बिल्कुल ऐसे निकली और इसका फॉर्मेशन इसको हम लोग सिंपल लिप लेकिन कोई पत्ती है प्लांट है अभी उसकी मिडरी वैसे बनती गई अब इस पर पत्ती आके ऐसे ऐसे पूरा इसमें इधर भी पत्ती लग गई इधर भी पत्ती लग गई इधर भी पत्ती इसको हम लोग क्या बोल देंगे मिड्रिप अब ये वाली हमारी मिड्रिप हो गई मिड्रिप पूरा उसमें कटाव हो जाए तो अब ये क्या हो जाए इसको हम लोग लीफलेट बोल देते हैं अब इसको हम लोग लीफ नहीं बोल करके लीफलेट बोल दें यहां से यहाँ पूरे इसको पूरे को लीफ बोलेंगे लेकिन एक एक पार्ट को इसको हम लोग क्या बोल देते हैं लीफलेट और ऐसी पत्तियों को हम लोग कंपाउंड लीफ बोल देते हैं ठीक सिंपली जिसमें कोई कटाव फटाव ना हो उसको हम लोग सिंपल लीप बोलते हैं सिंगल मिड्रिप होनी चाहिए उसको हम लोग सिंपल लेकिन जो अगर उसमें मिड्रिप भी बढ़ जाए या उसकी जो पत्तियों का जो कटाव होता है ग्रोव होता है वो मिड्रिप तक टच हो जाए उसको हम लोग कंपाउंड लीप बोलते हैं सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीप आर टू मेन टाइप्स ऑफ लीप और ये पत्तियों के दो मुख्य प्रकार होते हैं सिंपल एंड कंपाउंड लीप और अब आप देखेंगे बहुत प्रकार की पत्तियाँ उनका अरेंजमेंट होता है इसको हम लोग फैलो टैक्सी बोलते हैं कुछ पत्तियाँ क्या होती हैं सिंगल ऐसे अरेंज होती हैं कुछ पत्तियाँ क्या होती हैं एक होर्ल में एक ही नोट से मोर देन टू लीव्स पाई जाती हैं उसको हॉर्ल कहते हैं उसको हम लोग कंपाउंड बोल देते हैं तो अलग अलग टर्म्स यूज किए जाते हैं अलग अलग प्रकार की पत्तियों के लिए तो ये बात हुआ भैया पत्तियों का और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया है ऑब्जर्व अ ब्रांच ऑफ प्लांट लाइक रूट सॉरी रोज नीम कोरिएंडर हिबेस्कस ए हम लोग ऑब्जर्व करते हैं एक ब्रांच लेते हैं प्लांट की जिसे लाइक रोज हो गया गुलाब नीम हो गया कोरिएंडर धनिया हो गया हिबेस्कस गुडहल हो गया इन सब चीज़ों को लेकर के ऑब्जर्व करते हैं जब ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे इन डिफरेंट प्लांट द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन दिफरेंट डिफरेंट विभिन्न प्रकार के पौधों पर लीफ का जो अरेंजमेंट होता है किस प्रकार से वो व्यवस्थित की गई है उसको हम लोग क्या करते हैं देखते हैं डिफरेंट होता है अलग अलग पौधों में अलग अलग होता है इट मे बी अल्टरनेट या तो अल्टरनेट होगा जिसे देखिए इस पे ये देख रहे हैं, देख रहे हैं अब एक पत्ती यहाँ लगी है दूसरी यहाँ तीसरी यहाँ ऐसे ऐसे अल्टरनेट इसको बोलते हैं या अपोजिट होगी अपोजिट में क्या होगा एक पत्ती जहाँ लगी है सेम उसी के दूसरी पत्ती उसके जस्ट अपोजिट में दूसरी साइड में पाई जाएगी एक नोट पे दो पत्तियां टू लिप्स पाई जाती हैं अपोजिट में हॉर्ल देखने को मिलता हॉर्ल में क्या होता है मोर देन टू लिप्स एक ही नोट से मोर देन टू लिप्स हम लोगों को देखने को मिलती है ठीक फिर क्या होता है स्पाइरल होता है हम लोग देखते हैं स्पाइरल होता है स्पाइरल पत्तियां होती है मतलब एक लीफ इधर है और दोनों जो स्पेस होता है इसके बीच में बिल्कुल कंटिन्यू स्पेस होता है एक स्पाइरल वो बनता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं स्पाइरल बोल देते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग हॉल देखने को मिल रहा अपोजिट देखने को मिल रहा ये डेकुसेट है डेकुसेट का मतलब नाइन्टी डिग्री पर डेकुसेट का मतलब क्या होता है नाइन्टी डिग्री पर जो जो पत्ती निकली है अगली जैसे हम लोग मदार में देखते हैं ना मदार में हम लोग देखने को मिलता है उसमें पाया जाता है ठीक अकॉर्डिंग टू हा आर राउंडेड इसको हम लोग क्या बोलते हैं ओवो आ, ओवोवेट बोलते हैं या उसको हम लोग पालमेट बोलते हैं एक होती है कैसी होती है पालमेट होती है और एक को क्या बोलते हैं लेंसुलेट बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं लीनियर ई टी सी ये सब टर्मोलॉजी किसको बोली जाती है सेप के आधार पर जो पत्तियां जो होती हैं जो अंडाकार पत्तियां होती हैं कुछ जैसे उसको ओवोवेट बोलते हैं या उसको हम लोग राउंडेड बोल देते हैं पालमेट पत्तियां जैसे जिसमें फिंगर लाइक्स होता है उसको हम लोग पालमेट बोल देते हैं तो अलग अलग जैसा सेप होता है उस पत्तियों को हम लोग अलग अलग बोलते हैं तो यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिप्स दिया गया है आप इसको स्टडी कीजिए और अच्छा थोड़ा सा एक वो और है आप यहाँ तक देखते रहे टेक ए पीपल लीफ एंड मेज लीफ एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली दोनों को ऑब्जर्व कीजिए द पीपल लीव्स एंड डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स बाई ए सिंगल मिड वेन लाइन्स एलॉन्ग द मिड लाइन ऑन द लीफ ब्लेड सेकेंडरी वेन्स एराइव फ्राम द मिड वन अच्छा एक हम आपको और थोड़ा सा वो है लिफ का जो बचा हुआ पार्ट है उसका एक वीडियो और आपको हम दे देंगे डायग्राम के साथ दे देंगे आप लोग तब तक यहाँ तक पढ़ते रहिए कि लिफ के बारे में लिफ क्या है टाइप्स आप लिप इंटायर किस बोलते हैं डेंटेड किस बोलते हैं लोबेट बेड बोलते हैं लिफ बेस का क्या काम है कहाँ पे अटैच होता है स्टिप्यूल्स क्या होता है पेटियोल क्या होता है लिफ ब्लेड किसको बोलते हैं मिडबेन किसको बोलते हैं मिड रिप किस बोलते हैं इन सब चीज़ों के बारे में देखें मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जहाँ पे हम आपको लीफ के लीफ में जो कास्टा होता है मिड्रीप होती है उसके आधार पर किस प्रकार से इसका डिवीजन होता है हम आपको बताते हैं तब तक देखते रहिए हमारा चैनल बने रहिए हमारे साथ थैंक यू थैंक यू वेरी